approach. I have helped for 500 students successfully to crack their competitive exams like banking, railway. For the MNCs, that is multinational companies, exams like E-Litmus, Coolpix, MCAT, and for the MBA exams like CAT, ZAT, CMAT, IIT, TISNET, CET. A lot of students generally ask me one question, how to deal with English. Okay. So as I already shared with you few videos related to the writing and reading type. Okay. So usko jaake dekh lo videos. Theek hai? और मैंने पूरे मेरे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी वीडियोस आए हैं, उसका इम्पोर्टेंस भी मैंने बता दिया कि कितना इम्पोर्टेंस है. ठीक है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में. ठीक है. तो एडजेक्टिव का पहला मीनिंग क्या है? एडजेक्टिव का मतलब होता है इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को ये शो करता है. जैसे मैंने बोला मैंने यहाँ पे लिखा है राम इज अ बॉय. ठीक है. तो यहाँ पे राम मेरा सब्जेक्ट है, आप पहले की वीडियो जाके देखिए. इज मेरा वर्ब है या आर्टिकल है, ये मेरा नाउन है. यहाँ पे कहीं पे भी एडजेक्टिव नहीं है. अब मैंने बोल दिया राम इज अ इंटेलिजेंट गाय, व्हाटएवर, या राम इज अ स्मार्ट गाय. तो मेरा स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव. किसकी क्वालिटी निकाल रहा है? राम की, बॉय की. देखो नाउन या प्रोनाउन के पहले है. समझ में आ गया? तो एडजेक्टिव क्या करता है? इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन या प्रोनाउन. तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले कौन आएगा? एडजेक्टिव आएगा. समझे? जैसे स्मार्ट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया. जैसे मैंने बोला रेड टी शर्ट, तो एडजेक्टिव क्या है? रेड वाइट टी शर्ट, तो मेरा नाउन है. ठीक है. ब्लैक पैंट, तो एडजेक्टिव क्या है? ब्लैक. फर्स्ट क्लास, तो एडजेक्टिव क्या है? फर्स्ट, क्योंकि क्लास नाउन है. डबल रूम, तो डबल क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि रूम नाउन है. हमेशा याद रखना दो नाउन एक साथ में आ सकते हैं. स्वप्निल भी एक नाम है, तुलस्कर भी एक नाम है. सर बोलोगे ये कैसे क्या एक साथ आ गया? भाई वो मेरा सरनेम और नाम है, वो एक साथ आ सकता है, उसको अलग ही मैटर है. मेरा कहने का मतलब है दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते. अगर आते तो पहले का एडजेक्टिव बनाओ. जैसे मैं बोलता हूँ नेशन इवेंट, तो नेशन इवेंट ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते. इसको बनाना नेशनल, इसको बनाना पड़ेगा नेशनल इवेंट. तो इसको एडजेक्टिव बनाया. देखो दो नाउन एक साथ आए तो पहले का एडजेक्टिव बन रहा है, तो एडजेक्टिव बनाओ, नहीं तो इसको एपोस्ट्रोफी यस लगाओ, नहीं बन रहा है. समझ में आया? तो एडजेक्टिव क्या करता है? इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. समझ में आ गया? उसके कुछ एग्जांपल लो, स्मार्ट, ऑनेस्ट, हैंडसम. ठीक है. वन, टू, सिंगल, डबल, ट्रिपल. ऑल बॉयज, तो ऑल एडजेक्टिव है. सम बॉयज, तो सम एडजेक्टिव है. सेवरल बॉयज, तो सेवरल एडजेक्टिव है. समझ में आया? दीज ऑल आर एडजेक्टिव. ओके, समझा? नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब. ठीक है. अब एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बोले हैं ना, वो पॉज करके लिख लेना बॉस, और उसको न्यूज़पेपर में जाके अंडरलाइन करना नहीं मत भूलना. मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला ही है कि आपको जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे उसको प्रैक्टिकली यूज होते हुए लिखो फॉर द 20 डेज. 20 दिनों तक जितना ग्रामर आप अंडरलाइन कर सकते हो करो. बिलीव मी, इसका असर इतना गहरा होगा ना, आप बाद में सोच भी नहीं पाऊंगे. इतना गहरा असर होगा मेरे स्टूडेंट के ऊपर. मैं यही चीजें अपनाता हूँ, उनके एरर्स वगैरह काफी अच्छे से हो जाते हैं. सो एडवर्ब का मतलब होता है, मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूँ. देखो गाड़ी के मैं कोई भी पार्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ. जैसे अब देखो मॉडिफाई करने का गाड़ी थोड़ी अलग दिखती है. जैसे मैंने बोला मैंने गाड़ी का हैंडल मॉडिफाई किया, तो गाड़ी अलग. गाड़ी का हटके चीजें क्या है? हैंडल बड़ा है. मैंने बोला साइलेंस और खड़े कर दिए, तो गाड़ी में अलग क्या दिख रहा है? साइलेंस. मैं पूरे गाड़ी को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ या गाड़ी के कोई पार्ट को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ. एग्जैक्टली एडवर्ब की वजह से इट मॉडिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच या होल सेंटेंस. एग्जांपल जैसे मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, चलो शी इज अ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं हैंडराइटिंग थोड़ा बकवास है. तो यहाँ पे देखो शी मेरा सब्जेक्ट, इज मेरा वर्ब. वीडियो नहीं देख रहा है तो देख लेना. या आर्टिकल या ब्यूटीफुल, तो अभी पढ़े भाई साहब एडजेक्टिव, और ये मेरा नाम है. ठीक है. मैं नागपुर जाता हूँ. अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ
I always go to Nagpur. So adverb कौन सा है? Always. धक्का दे रहा. I never go to Nagpur. So adverb कौन सा है? Never. I often go to Nagpur. So adverb कौन सा है? Often. I hardly go to Nagpur. So adverb कौन सा है? Hardly. I scarcely go to Nagpur. So adverb कौन सा है? Scarcely. किसको modify कर रहा है? और समझ में आ रहा है? Okay. One more thing. मैं पूरे sentence को modify करके देखता हूँ. Unfortunately, I could not go there. तो किसको modify किया? पूरे sentence को modify कर. So adverb का काम ही है modify करना. देखो पूरे ending में भी आ सकता है. मैंने बोला था full stop के पहले objective case pronoun लगता है. लेकिन उसके बाद भी मैं क्या use कर सकता हूँ adverb. क्योंकि कहीं भी आता है. जैसे I slapped him brutally. तो adverb कौन सा है? Brutally. समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? Okay. So these all about adverb. Adverb के example just now. So far, yet, the task has not complete yet. ठीक है, so ये सारे adverb है. Just now, so far, hardly, scarcely, often. मैं बोलते जा रहा हूँ. अगर उस words को लिख के रख देना या कहीं Google करके उसका list निकाल लो और उसको underline करना शुरू करो न्यूज पेपर के एक कटिंग में. बिल्कुल underline, adjective और adverb सारे parts of speech को जितने भी पढ़े हैं मेरे वीडियो से सबको underline करना शुरू करो. Do it for 21 days. देखना उसका असर कितना गहरा होगा. उसके बाद आप एरर ट्राई करना. एरर में थोड़ा सा मैं एरर का भी एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, तो उसमें आपको इट हेल्प्स अ लॉट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. ओके, वंस अगेन योर कॉम्पिटिटिव कोच स्वप्निल तुलस्कर. थैंक यू.